आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एवरग्रीन एकेडमी कोचिंग है, इसके बारे में हम बहुत सुने हैं। तो आज हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की यहाँ पे सिलेबसेस पढ़ाए जाते हैं, वो चाहे बायो फील्ड से हो चाहे मैथ फील्ड से हो। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो आइए चलिए हम अंदर चलते हैं और यहाँ के बच्चे और टीचर्स से फीडबैक लेते हैं एवरग्रीन एकेडमी टीचर्स के, कि कैसा माहौल है, कैसा सिचुएशंस है, कैसी, जैसे कि देख रहे हैं क्लास में बच्चे और टीचर्स दोनों प्रेजेंस है। तो आज हम आप सबको बताना चाहेंगे कि हम एवरग्रीन कोचिंग के अंदर आ गए हैं और यहाँ बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे काफ़ी शांत माहौल में, ऐसा लग रहा है कि टेस्ट हो रहा है। तो आइए हम एवरग्रीन एकेडमी के डायरेक्टर सर से बात करते हैं। तो सर क्या चल रहा है, टेस्ट चल रहा है? जी, ये BSc फाइनल ईयर का जूलॉजी का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने कॉपी सबमिट कर दी, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बच्चे अभी कम ही बचे हैं। मैंने एवरग्रीन एकेडमी की कोचिंग से बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि यहाँ पे बच्चों को अगर फाइनेंशियली वीक होते हैं तो भी पढ़ाया जाता है, और IIT जैम गेट जैसे चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जैसा कि मैं तो बताऊंगा ही, मैं चाहूंगा कि ये सारी चीज़ें आप हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लें तो ज़्यादा जनमन लगेगा। हाँ, यहाँ पे हम BSc फाइनल ईयर के साथ साथ हम लोग MSc एंट्रेंस संडे को, उसके साथ साथ IIT जैम और गेट की क्लासेस भी हम लोग इनको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराते हैं। फ्री ऑफ कास्ट इन दी सेंस कि BSc के फीस में, साथ ही जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में भी उनका पेमेंट लेते हैं। ओवरऑल ये कहना है कि एवरग्रीन एकेडमी में पैसे के लिए किसी बच्चे की क्लास नहीं रुकती। बाकी मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप बच्चों से फीडबैक लें तो वो ज़्यादा बेटर मुझसे बताएंगे। हाँ सर, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम आइए बच्चों से ही फीडबैक लेते हैं, बच्चों से ही पूछते हैं। तो हम, आपका क्या नाम है? अश्रद्धा। अच्छा, किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? जूलॉजी का चल रहा है। फर्स्टली आपका टेस्ट कैसा गया? टेस्ट बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, सारे क्वेश्चन। यहाँ के जूलॉजी के टीचर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे कि जूलॉजी के टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, कैसे? क्योंकि हमने ऑनलाइन भी कुछ उनके वीडियोज़ देखे हुए हैं, तो हम ऑफलाइन ज़्यादा सर्वे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आप लोग ने ऑनलाइन वीडियो देखा ही होगा, तो उससे आपको आइडिया मिला होगा कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जूलॉजी के, स्पेशली जो सर हमें पढ़ाते हैं, और हमारी सारी डाउट्स अच्छे से सॉल्व कराए जाते हैं, चीज़ें हमें अच्छे से बताई जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं प्रॉपर। जैसे आप देख रहे हैं अभी हम टेस्ट दे ही रहे हैं, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है उसका हम लोग प्रॉपर टेस्ट देते हैं, उसका उससे हमें पता चलता है कि हम मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर कितना सिलेबस नहीं है, उसके बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो जूलॉजी की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ओके ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। आइए हम नेक्स्ट बच्चों से कुछ फीडबैक लेते हैं। तो आपका नेम क्या है? नीलम। आपका टेस्ट कैसा गया? टेस्ट मेरा अच्छा ही गया। अच्छा, तो मैंने सुना है यहाँ पे मतलब जो BSc की फ़ीस होती है उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। IIT गेट जैसी एक बहुत महंगी कोचिंग है जो सबके सब नहीं वो कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सुना है यहाँ के जो टीचर्स हैं, IIT हुआ, गेट हुआ, जैम हुआ, इन सबके फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस चलाते हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है और क्या है? हाँ, मतलब क्लासेस तो हमारी मतलब फ्री चलती हैं जो कि एंट्रेंस के लिए होती हैं, एंड BSc में ही उसकी फीस ऐड होती है। तो बाकी और मतलब अच्छा ही, मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम एंट्रेंस किस तरीके से स्टडी मटेरियल प्रॉपर जो भी चीज़ चाहिए होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, और फीस उसी में ऐड होती है। फीस उसी में ऐड होता है। ओके, आपका टेस्ट कैसा गया? मेरा टेस्ट अच्छा गया। अच्छा गया, चलिए ठीक है। आई एम नेक्स्ट बच्चे से फीडबैक लेते हैं। तो आपका नेम क्या है? मेरा नाम रूमा यादव है। आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो आप ये बताइए, आप यहाँ से कितने इयर्स से आप एवरग्रीन एकेडमी कोचिंग से साथ जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ दो साल से पढ़ रही हूँ। दो साल से पढ़ रही हैं, तो दो साल में एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो एवरग्रीन एकेडमी को अभी तक रिजल्ट मिला नहीं होगा। तो आप कैसा रिजल्ट इस बार एवरग्रीन एकेडमी को देना चाहेंगी? हम एवरग्रीन एकेडमी को बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उन टीचर लोगों ने मेरे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा उन्होंने पढ़ाया वैसा हम परफॉर्म करें। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी और केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। तो आपका भी जूलॉजी का टेस्ट है आज? जी। कैसा गया टेस्ट? अच्छा गया, बेहद अच्छा था। ऋचा यादव। अच्छा, तो आप हमको ये बताइए, आपके यहाँ पे हमने सुना है कि जो मंथली वीकली टेस्ट होते रहते हैं प्रॉपर, सिलेबस ख़त्म होने के बाद, टॉपिक ख़त्म होने के बाद टेस्ट लिए जाते हैं, और बच्चों में कॉम्पिटिशन्स बहुत है ऐसे मैंने सुना है, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर देखने उखने से पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों को अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो इसमें क्या है कि ये सच है अवार्ड्स वगैरह और जो भी?
जी बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग के जैसे चैप्टर ख़त्म होता है तो टेस्ट लिए जाते हैं, और लगभग 3 टेस्ट के बाद सारे सबका वो किया जाता है कि किसके कैसी पोजीशन है, उसी की पोजीशन के हिसाब से सबको मिलते हैं। ओके थैंक यू। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जूलॉजी के टीचर्स के बारे में जैसे मैंने एक बच्ची से वहाँ पर सुना काफ़ी कुछ बताई, तो केमिस्ट्री के टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या फीडबैक? मैं केमिस्ट्री के टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका है और जो बताने का तरीका है वो बेहद आसान और अच्छा है, और वो एक बार नहीं कई बार बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। और मोस्टली मतलब कि पहले जब आते हैं तो डेमो हम लोगों ने केमिस्ट्री के ही टीचर का लिया था, तो हम लोग को पहले वही अच्छा लगा था, फिर हम लोगों ने जूलॉजी वाले टीचर से मुलाकात की थी। हमारे जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है, चाहे वो जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर बॉटनी हो। तो जिस तरह से मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों को इतने कंपटीशन, इतने अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही, कंटिन्यू रखा जा रहा है, कंटिन्यू मंथली वीकली टेस्ट वगैरह, तो ऐसा हो रहा है कि सर्वे किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चों का 70+ मैक्सिमम बच्चों का 70+ 80+ बनेगा, तो इसमें आपका क्या राय है कि ये संभव है, ये पॉसिबल है? क्योंकि पहले से ही सब जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परसेंटेज के मामले में कितना ज़्यादा वो है, 60+ बनना बहुत मुश्किल होता है, और बायो फील्ड में और बीएससी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपका क्या हुआ? जी बिल्कुल, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सब अपना बेस्ट देते हैं, और जैसे ही टेस्ट होते हैं तो सर हम लोग की बताते हैं कि अभी तुम लोग को कितना मेहनत करना है, कैसे क्या, और हम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है और बेहद अच्छे से हम लोग को गाइड किया जाता है। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नेम क्या है? जी मेरा नेम शालिनी दुबे है। अच्छा, आपका जूलॉजी का टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? जी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने सुना गेट की क्लासेस चलती हैं संडे, तो गेट का फॉर्म आया हुआ है, तो आप क्या गेट का एग्ज़ाम में बैठेंगे इस बार? जी ज़रूर, हम गेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे। एवरग्रीन एकेडमी आपको गेट के एग्ज़ाम में जब बैठा रही है तो कितनी तैयारी आपको करवाई, क्योंकि सबको पता है गेट के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, और इलाहाबाद में उसकी कोचिंगें भी देखने को नहीं मिलती, और सुनने में आया यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कितनी तैयारियाँ हैं आपकी गेट के एग्ज़ाम में बैठने? गेट की तैयारी तो हमारी हो रही है, हमारी संडे की क्लासेस चलती हैं, जो कि हमारे टीचर्स हमको संडे को 2 घंटे एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट जो है हमको पढ़ाते हैं, और सारी क्लासेस जो है जिसको जिस सब्जेक्ट से देना है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासेस चलाई जाती हैं, जो कि प्रॉपरली चलती हैं, और हमेशा मतलब हर संडे को हमको बुला के, और डाउट है फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं या फिर आप टीचर्स से कनेक्ट हैं तो उनसे नॉर्मल भी क्वेश्चन एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, और हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही है। ओके थैंक यू। आपका नेम क्या है? आंचल पांडे। जैसे कि मैंने सुना है आपकी कोचिंग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जल्द ही आपके जूलॉजी और बॉटनी के 2 टीचर एवरग्रीन एकेडमी से, जो कि 2 साल से जुड़े हुए थे, दोनों लोगों ने जीआईसी को क्रैक किया है, जीआईसी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो आपके ही कोचिंग में आपके नियर जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं जीआईसी क्रैक है, तो आपको कैसा वो मतलब कैसे आपको नॉलेज देते हैं, कैसे आपको बोलते हैं? क्या हमें अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब उन्होंने क्रैक किया एग्ज़ाम्स, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आई थिंक वो थे इतने कैपेबल कि उन्हें वो उन्हें क्रैक करना ही चाहिए था, और उनको देख के हमें उम्मीद है कि हम आगे हम भी उनकी तरह कुछ करेंगे, उनके स्टूडेंट हैं तो उनकी तरह ट्राई करेंगे कि हम भी उनकी तरह कुछ कर सके। अच्छा, तो क्या अभी भी वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ अभी भी वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो भी वो हमें जब फ्री होंगे तो वो हमें पढ़ाएंगे। ओके थैंक यू। तो आपका टेस्ट कैसा गया? अच्छा गया। तो आपकी कितनी प्रिपरेशन है ये गेट, आप गेट का फॉर्म? हाँ यस। हाँ अच्छा, तो कितनी प्रिपरेशन है आपकी गेट के लिए? तो हो रही है अभी तो टाइम है एग्जाम्स में, और हम अपना पूरा 100% देंगे। हाँ 100% देना ही चाहिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कोर्सेज, तो इतने अच्छे से आप बता रही हैं कि पढ़ाई होती है, गेट की प्रिपरेशन होता है, तो उसके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, आप कर सकती हैं ऐसा कुछ? हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम कर सकें, हमारे टीचर अच्छे हैं तो हमें भी अच्छा करना ही चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी। केमिस्ट्री के टीचर के बारे में, कैसा आपको पढ़ाते हैं, कैसे कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, सिलेबस यहाँ कब तक कंप्लीट होते हैं? सिलेबस तो अक्टूबर तक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट जाता है, फिर दोबारा हमें रिवीजन का भी टाइम दिया जाता है, और सर हम लोग का रिवीजन भी कराते हैं। ओके थैंक यू। आपका नेम क्या है? अंबु सिंह।
अच्छा अंबु सिंह, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए यहाँ के बच्चों से, तो अभी हाइब्रिड ऑनलाइन मोड पे हाल ही में एवरग्रीन एकेडमी हायर एजुकेशन चैनल के नाम से बीएससी के क्लासेस लेना स्टार्ट की है, तो आप ऑफलाइन हैं वो ऑनलाइन क्लासेस है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के बीच में कुछ डिफरेंस, या फिर यहाँ ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ कम है, या फिर उसके कुछ बेनिफिशियल्स कुछ आप बताएंगे? पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे एवरग्रीन एकेडमी, जैसा कि आपने अभी बोला कि GIC सिलेक्टेड दो टीचर हैं, तो ऑनलाइन का मेन पर्पज़ ये था कि जो हमारे दो टीचर हैं वो क्या नाम है, जहाँ भी उनकी ज्वाइनिंग जैसा भी जो हो, तो ऑनलाइन से वो हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, हमारे बीच जुड़े रहेंगे, जैसा भी टेस्ट होगा या कुछ भी होगा वो ऑनलाइन के जरिए हम लोग को बताते रहेंगे। हाइब्रिड मोड में ऐप लॉन्च हुआ है, तो ऐप लॉन्च हुआ तो उसमें उसका बेनिफिट ये है कि जैसे कुछ बच्चे क्या नाम है, जैसे गांव के हैं या पैसे कम दे पा रहे हैं या फिर लेट जॉइनिंग हो गया, कुछ लोगों की क्लासें जैसे यूनिवर्सिटी में जिस समय कोचिंग चलती है उस समय क्लासें चल रही हैं, तो उन लोगों के लिए ये लॉन्च वीडियो लॉन्च किया जा रहा है। क्या नाम, केवल उसकी प्राइस केवल 5 पर सब्जेक्ट 3,000 रुपये रखा गया है। और दूसरी चीज़ ये इसलिए कि जो गांव के भी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, क्या नाम है, एवरग्रीन एकेडमी। हाँ, समझ रहे हैं, जैसे कि एवरग्रीन एकेडमी एक बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता होगा, तो ऑनलाइन के माध्यम, आपके कहने का मतलब है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से नॉलेज ले सकते हैं, जैसा कि 2-3 वीडियो आप देख ही चुकी हैं, हाँ। पढ़ ही चुका है, तो उस जो वीडियो मतलब ऐप चल रहा है उसका मतलब जो पढ़ाया जाएगा उसका वो टाइटल जो है ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र तो आप जानते हैं, ब्रह्मास्त्र तो कोई उसका तोड़ ही नहीं है जो लॉन्च हो रहा है उसमें। तो हम देख रहे हैं कि टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं और कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस जो कि उनको डाउट्स थे, तो यहाँ पे ऑफिस में डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आप यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर रही हैं? हाँ, यस मैम। टेस्ट हो गया आपका? हाँ, टेस्ट ओवर हो गया। आप कहाँ से आती हैं? मैं सिविल लाइन से आती हूँ। सिविल लाइन से आप आती हैं, तो जैसा कि सिविल लाइन और सलोरी में काफ़ी डिस्टेंस, उसके बीच में काफ़ी BSc की कोचिंग्स है, तो आप यहाँ पे क्यों, और भी तो आप अपने नियर बाय भी कर सकती हैं। मैम, मेनली पहले तो मेरा कॉलेज यहीं पे है, ईश्वरचरण, जिसमें हम पढ़ते हैं, और दूसरा ये है कि ये कोचिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में भी ट्रायल इसके पहले लिया था, तो उससे मुझे यही पता चला कि वहाँ पे बच्चों के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देता, ज़्यादा बच्चे हैं, उनका मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि बस नोट्स लिखा देते हैं, कराते थे, बट ये कोचिंग एक ऐसी कोचिंग है जिसमें आपको पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रहेगा। दूसरा ये है कि आपके डाउट्स प्रॉपर क्लियर के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे डाउट्स ही क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं, और दूसरा यहाँ पे टीचर्स जो हैं उनका नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए बाकी टीचरों से ज़्यादा हम लोग को ये लगा कि अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूँ तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और हेल्पफुल होगा पढ़ाई में भी, तो इसलिए मैं सिविल लाइन से यहाँ पे आती हूँ ज्वाइन करने। तो आपका टारगेट क्या है कि BSc में आप कितने परसेंटेज हायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक एवरग्रीन एकेडमी को जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो आप लोग से ही इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो इस बार आप लोगों से रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप क्या रिज़ल्ट देना चाहेंगे एवरग्रीन एकेडमी? मैम, जैसे कि 2 साल से कोविड की वजह से तो नॉर्मली हम लोग के भी पेपर्स नहीं हुए हैं, बट हम लोग पूरा कोशिश ये करेंगे कि जितना हमें एवरग्रीन एकेडमी सपोर्ट कर रहा है हम लोग उसके पॉजिटिव 80 के अप्रॉक्स रिज़ल्ट देने का ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम लोग इसके नियर अबाउट पहुँचें और एवरग्रीन एकेडमी का नाम हम लोग आगे रोशन करें। थैंक यू। आपका नेम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा, आपका सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी केमिस्ट्री। जूलॉजी केमिस्ट्री, तो जैसा मैंने देखा कि सब्जेक्ट्स वहाँ पे, एक सेकंड, जैसे कि मैंने देखा कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में ये आपकी जूलॉजी के टीचर का मैंने वो देखा, इथोलॉजी पढ़ा रहे थे, उधर था कि 80+ परसेंटेज, तो 80+ परसेंटेज यू नो वेरी वेल कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो भी बायो फैकल्टी से BSc से लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक आप में, अपने आप में, जो कि इसकी हिस्ट्री है, इतने हायर परसेंटेजेस बनना बहुत ही स्ट्रगल फेस है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि एवरग्रीन एकेडमी आपको 80% के लिए इतना तैयार की है आपको? हाँ, बहुत अच्छे से तैयार करिए, यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कराई जाती है और सर इतना अच्छे से पढ़ा देते हैं कि मतलब हम लोग को कैसे लिखना है सब कुछ एकदम बेस्ट तरीके से, तो हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग के अच्छे परसेंटेज आए। जी, तो आपका टारगेट कितना है लगभग, आप फिर भी कितना हम बता सकती हैं, कुछ तो आपका टारगेट होगा BSc में कितना परसेंटेज का? अप्रॉक्स 80+।
80+ बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा गेट के गेट का जो अभी फॉर्म आया है तो गेट के लिए आप यहाँ पे कोचिंगें चलती हैं मैंने सुना, जैसे कि वहाँ पे लिखा भी गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि गेट के लिए कितनी तैयारी हो पाती है, क्योंकि बीएससी और गेट दोनों ही अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीएससी का ये बहुत बड़ी चीज़, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अपने आप में। और जो कि मैं सुन रही हूँ यहाँ पर संडे को भी गेट की क्लासेस चलती है, तो कितना आपकी तैयारी है, किस हिसाब से तैयारी कराई जाती है? यस मैम, यहाँ पर संडे गेट की क्लास चलती है, 2 घंटे मतलब पर सब्जेक्ट गेट की क्लास पर दिया जाता है। सर मतलब हम लोग को क्लासेस में ऐसे मतलब पढ़ाए जाते हैं कि उसमें हम लोग को गेट की भी तैयारी साथ साथ होती चलती है। संडे को और ज़्यादा हम लोग को एफर्ट किया जाता है कि गेट की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम एवरग्रीन एकेडमी की कोचिंग में आए हुए हैं और यहाँ पे आज बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, बच्चों का टेस्ट चल रहा था, कुछ बच्चे चले भी गए थे अपना टेस्ट देके, तो यहाँ पे अभी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं बच्चे। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि टेस्ट होने के बाद बच्चे घर चले आते हैं, क्लास खत्म होने के बाद बच्चे घर, टीचर अपने घर, लेकिन टीचर अलग से डाउट्स क्लियर कर रहा है, टाइम दे रहा है बच्चों को, और ये बच्चों से वादा हुआ किए हैं, बच्चे भी टीचर से वादा किए हैं कि हाँ हम अच्छे परसेंटेज लाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमने ये भी देखा है कि बच्चों को यहाँ पे मंथली वीकली टेस्ट होते हैं, एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद, एक पेपर ख़त्म होने के बाद, और अवार्ड्स मिलते हैं। अवार्ड्स मिलना तो एक बहुत बड़ी चीज़, ये टीचरों ने बहुत अच्छा किया कि बच्चों में कॉम्पिटिशन आ जाएगा, उसके पास अवार्ड गया, उसके पास अवार्ड गया, वो सोचेगा कि मेरे पास क्यों नहीं आया, मेरे पास क्यों नहीं आया। तो इससे हर टेस्ट में, हर उसमें एक अलग बच्चा उभर के आएगा, बच्चे सोचेंगे कि हमको भी मिलना चाहिए। तो इससे कंपटीशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अवार्ड्स दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, एक हर 3 टेस्ट के बाद, हर 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, जैसा यहाँ पे हम सुनने में आ रहा है, फिर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो आइए हम इस सब के बारे में, बच्चों से बात हो चुकी है जैसे कि आपने देखा, तो हम अब एवरग्रीन एकेडमी के डायरेक्टर सोमेश सर से बात करते हैं। थैंक यू जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके? सर जैसे बच्चे कह रहे हैं कि टीचर्स यहाँ पे अच्छी गाइडेंस देते हैं, और जो है कोई बच्चा बता रहा है 70+ टारगेट है, 80+% टारगेट है, तो आप क्या मतलब इतनी तैयारी करा पा रहे हैं कि बच्चों का 70+ 80+ बन जाए? देखिए ये सारी चीज़ें बच्चों पे डिपेंड करती हैं कि वो कितने अच्छे मार्क गेन कर रहे हैं। हाँ लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि हम लोग प्रॉपर तरीके से डेली क्लास शेड्यूल वाइज, उसके बाद डाउट सेशन, टाइम टू टाइम टेस्ट, उसके बाद उनमें जो भी कमियाँ हैं टेस्ट के बाद, वो चीज़ें तुरंत एनालाइज करके उनको बता दी जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बच्चों के डाउट हो रहे हैं, यहाँ पे डाउट के साथ साथ कॉपी चेकिंग हो रही है और कॉपी में कितना कंटेंट की कमी है ये तुरंत बताया जाता है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब फ्यूचर को लेके हमारा क्या प्लान है। हाँ, जैसा कि आपके माध्यम से हम आपसे पूछने वाले थे कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपके एवरग्रीन एकेडमी को आप किस तरह से और बढ़ाएंगे, और आप क्या क्या चीज़ें दूर वालों के लिए, नज़दीक वालों के लिए, अगले आने वाले बैच के लिए आप क्या क्या उनको उनके लिए कर पाएंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एक देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दी, इससे बहुत सारे बच्चों ने मेहनत भी की, कई बच्चे गेट क्वालिफाइड हुए और बीएससी में अच्छे परसेंटेज भी गेन हुए, बट दुर्भाग्य ये रहा कि 2 साल से कोविड के चलते ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो हम लोगों को ऑफलाइन रिजल्ट मार्केट में नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार हमको पूरी चांस है कि बहुत अच्छे से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं डेली कॉपियों का एनालिसिस करता हूँ, टीचर्स एनालिसिस करते हैं तो बता रहे हैं कि A1 क्वालिटी का वो लिख रहे हैं। तो ऐसे में इस बार पूरा हमको भरोसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हम लोग टॉप रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे इस कोचिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा इसी टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में प्रैक्टिकल रहता है, इसी टाइम मेरी और भी क्लासेस चलती हैं, तो सर मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्लास। इसका सलूशन देखते हुए मैंने एक ऐप डिज़ाइन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप है हमारा। इस ऐप पे हम लोग जो है ब्रह्मास्त्र नाम से एक बैच हमने लॉन्च किया है, जहाँ पे हमारी पूरी टीम, हमारे पास 2 सेलेक्टेड टीचर हैं, बाकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से सबकी एमएससी कंप्लीट हुई है, वो सभी पूरी ईमानदारी से अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अच्छा यहाँ पे हमने 3 मोड में क्लासेस को डिज़ाइन किया है, सबसे पहले तो प्योर ऑफलाइन बैच जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम हाइब्रिड मोड लाए हैं जो मार्केट में थोड़ा सा नया है, अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में किसी कोचिंग में चीज़ नहीं है। हाइब्रिड मोड में ऐसा है कि हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, एक मिनिमम कास्ट लेंगे, उस
हर बच्चे को हम पढ़ाएंगे जिनको फीस इशूज़ करती है। तो मिनिमम कास्ट में हम उनको 6 दिन ऑनलाइन क्लास देंगे, साथ ही जब यूनिवर्सिटी बंद रहती है सैटरडे संडे, जैसे कुछ बच्चे मुंडेरा से आते हैं कुछ बच्चे और भी दूर से आते हैं, तो उनको यहाँ पर बुलाकर हम उनके डाउट लेंगे। जैसे यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसमें कुछ बच्चे आज सैटरडे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, सारे ऑफलाइन वाले नहीं हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं आके उसी फीस में, ऑनलाइन फीस में या ऑफलाइन टेस्ट देंगे, इनको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और देखिए कितने ध्यान से कॉपियाँ चेकिंग हो रही है। अच्छा, इन सबके साथ साथ प्योर ऑनलाइन बैच भी लॉन्च हुआ है, यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और उसके साथ साथ मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक बार आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मिनिमम कास्ट में हमने 5000 में कंप्लीट बीएससी का पैकेज दिया है, 5000 रुपये में कंप्लीट पैकेज, अगर कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाह रहा है तो 2500। और अगर इसमें भी किसी बच्चे को इशू आ रहा है, क्योंकि एवरग्रीन एकेडमी इसीलिए शुरू की गई थी कि पैसे रुकावट ना डाले किसी की शिक्षा में, तो उसको इंस्टॉलमेंट प्रोसेस के द्वारा हम पेमेंट लेंगे, लेकिन पढ़ेगा हर बच्चा। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इस वीडियो को पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तथा जितने भी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए, जो हमसे ऑफलाइन इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो ऑनलाइन इंटरेक्ट करें, लेकिन पढ़ें, किसी भी तरह की हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सब जो जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो जितनी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, टेस्ट, नोट्स, एक्स्ट्रा डाउट्स, वो सब ऑनलाइन के लिए भी होती है, क्योंकि इतना अधिकतम ये देखा नहीं जाता है कि ऑनलाइन में बस टीचर आए पढ़ाए फिर गए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों का भी टेस्ट होता है। तो जैसे कि सर ने बताया, हमारे माध्यम से सर आपको बताना चाहते हैं, तो हम भी सर की तरफ से बताना चाहते हैं कि जिसको ये वीडियो जाए आप देखें, आपको लोकेशन आप देखें, आप सर से कॉन्टेक्ट करें, सर से बात करें, आप ऑनलाइन पढ़ें ही नहीं बल्कि आप ऑनलाइन आकर यहाँ पर टेस्ट भी दें और अपने कैपेसिटी, अपनी क्षमता को आप देखें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे धीरज सर बैठे हैं, जूलॉजी के टीचर हैं एवरग्रीन एकेडमी के, और इन्होंने इस बार जीआईसी एग्ज़ाम को क्रैक भी किया है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, क्या एक उनको बताना चाहेंगे कि जिससे उनका हर बच्चा भी इस सफलता को अंजाम दे पाए। स्ट्रेटजी ये होती है कि जब भी कोई आता है उससे ये पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है, जैसे आपको बीएससी करना है या फिर आपको पीजी एंट्रेंस निकालना है कि गेट देना है या फिर इस तरह से, फिर जैसा वो मतलब उनका रहता है फील्ड ऑफ स्कोप या फिर आपको उसका इंटरेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पे हम प्लान बताते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और यहाँ वीकली और मंथली टेस्ट होते हैं, अभी देखिए टेस्ट हुआ, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, इनको फीडबैक देंगे कि आपने क्या गलती किया है, कैसे लिखना चाहिए और कैसे एक अच्छे मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं और करना चाहिए आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बच्चों की क्या है दिक्कतें ये हैं कि ये ऑनलाइन वाले की भी ऑफलाइन वाले की भी अभी तक इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, इनके आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है। तो इनको आंसर राइटिंग की आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहते हैं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें पता चल जाए। देखिए अगर आपको नंबर पाना है टॉप मतलब करना है, तो फिर सबसे मेन आपको होना चाहिए आंसर राइटिंग स्किल, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं कि आपको अगर अच्छा आंसर लिखना है तो आपको चाहिए तीन चीज़ें। सबसे मेन आपका यहाँ पे हैंड राइटिंग है, फिर स्पीड है, फिर आपको चाहिए कंटेंट। अगर ये तीनों आपके पास हैं और आप एक टाइम लिमिट के अंदर में आंसर फिनिश कर सकते हो, तो आपको यहाँ बेस्ट आपको वो मिलेंगे रिजल्ट। केमिस्ट्री के टीचर जो हमारे यहाँ हैं सुमेश सर हैं, जो कि बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और जो ट्रिक बताते हैं रिएक्शन का और उसको करवाने का करने का, ये तो बहुत केमिस्ट्री में बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिक। वो चीज़ें बहुत उनके सिंपल वे में बता देते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसको सिंपल वे में कैसे करना है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, वो कैसे हमको याद रहेगी काफ़ी देर तक, और आगे हमें कंपटीशन में और बीएससी के लिए हमें कितना लाभदायक है, कंपटीशन में कहाँ कहाँ वो रिएक्शन पूछी जाएगी इस बारे में बताते हैं, और फिर उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे उसका क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ें बताते हैं। और बाकी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो हमें बताते हैं, उसकी जानकारियां देते हैं, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आएगा, कैसे फिलअप करना है, ये सब चीज़ें बताते रहते हैं हमेशा। जैसा कि मैंने सुना यहाँ पे बच्चे मुंडेरा से आते हैं, तो फिर आप इतने दूर से आते हैं, हमने सुना आप मुंडेरा से आते हैं, तो आप इतने दूर से आते हैं, तो आप यहाँ पे कोचिंग की टाइम क्या है? सुबह 7 बजे से कोचिंग की टाइमिंग, 7 बजे की टाइमिंग है, तो आप इतने दूर से यहाँ पे क्यों आते हैं? यहाँ हमें जो हमेशा बेस्ट की मतलब तलाश होती है, जहाँ हमको अच्छी शिक्षा और अच्छी चीज़ें मिलेंगी हम वहीं जाएंगे, तो हमको यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी कंटेंट, अच्छा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हम इतनी दूर से आते हैं। जी।
तो अगर हम आपसे बोलें कि आप इस कोचिंग के बारे में वन वर्ड में क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक वन वर्ड में बोलना चाहे तो एक अच्छी कोचिंग से अच्छा, मतलब सबसे अच्छी कोचिंग है, और यहाँ पर हर फैसिलिटी ठीक से, मतलब बढ़िया से बताई जाती है हर क्वेश्चन, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ की बताया नहीं, जैसे बताया एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक बच्ची ने कहा एवरग्रीन एकेडमी को वन वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम फिर भी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, एवरग्रीन एकेडमी को आप वन वर्ड में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। फायर। फायर, ओह अच्छी बात है, फायर रहना ही चाहिए, लेकिन टीचरों के अंदर नहीं, कोचिंगों के अंदर नहीं, बच्चों के अंदर भी इस कोचिंग को लेकर फायर रहना चाहिए। सभी के अंदर फायर है, एक जज्बा है, एक आग है कुछ करने का, बस मौका दिया जाए, बस 2 साल से मौका नहीं मिला है, सबके अंदर उबाल है, एक कैसे रिजल्ट दिया जाए, बस यही है। अच्छा, हमको आपकी बातें सुन के थोड़ी सी हंसी आ गई, खैर कोई बात नहीं, बच्चों के अंदर ये जज्बा रहना चाहिए, जिस हिसाब से टीचर, नहीं मजाक नहीं लग रही है, आपके अंदर कितना जज्बा है, अपने आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो जूलॉजी केमिस्ट्री को लेकर आपके अंदर कितना जज्बा है? देखिए, हम देखा जाए तो बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं इस ईवर ग्रीन में, लेकिन इतना सपोर्ट मिलने के बाद आज इतना अच्छा टेस्ट हो रहा है हमारा, बाकी सब चीज़, मतलब बाकी आप वीक हैं तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाए? आप अपने, आप खुद को वीक मत करिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है, तो आप अपने टीचर को बताइए कि हम वीक हैं। पहली बात तो आप ये जानिए कि एक यूपी बोर्ड के बच्चों को सीधे अगर बीएससी करना हो तो बहुत ही, ये तो बहुत, हाँ ये मैं भी, मेरी 12 पढ़ाई का नाम यूपी बोर्ड से ही हुई है, तो बीएससी पहला साल तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, और उसके बाद आपको मैं एवरग्रीन की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 3 साल की जर्नी आपको बताता हूँ। हम 3 साल से तो जुड़े, जब से एवरग्रीन खुला है, तो ये तो 3री ब्रांच है एवरग्रीन की, 2 ब्रांच सलोरी में और चल रही हैं, तो हम लोग, हम जुड़े सर से, तो पहले तो हम लोग अननोन थे, नहीं जानते थे कैसा क्या है, उसके बाद जुड़ते जुड़ते सर से संपर्क हुआ, डाउट्स जो हुए ऐसे डाउट्स क्लियर करते, इधर उधर करते, अच्छा सर, मतलब एक जो सर और स्टूडेंट के बीच जो वो होता है वो शुरू हो गया। तो कोरोना काल में देखा जाए तो अधिकतर कोचिंगें बंद हो गई बहुत सी चीज़, लेकिन सर ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, अगर निकले हुए हैं घर से तो हार नहीं मानेंगे, तो सर ने ना कोचिंग बंद की और ना ही बच्चे कोचिंग छोड़े, जो बच्चे शुरू से हैं वो अंत तक एकदम जटे हुए हैं। सर को बस इसी चीज़ का अफसोस सभी को है, बच्चे हों चाहे स्टूडेंट हों, कि रिजल्ट जो रिजल्ट ऑफलाइन मोड में देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं कोई, तो ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस यही, अब आपने वन वर्ड में बोला, हमने फायर तो बोल दिया। हाँ, आपने फायर बोला, तो हम आपसे ये उम्मीद करना चाहेंगे, जैसे आपने बोला वीक, अच्छी बात है, खुद को खुद की क्षमता नापनी चाहिए, तो आपने वीक बोला, तो क्या आप अब अपने आप को यहाँ से स्ट्रांग बना के जा पाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है, और आपको दिखाना है कि हम वीक नहीं स्ट्रांग हैं? स्ट्रांग बनाने वाली बात नहीं, हमको 3 साल जुड़े हो गए, जो स्ट्रांग होना था, मतलब स्ट्रांग हो ही गए पहले से, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा एफर्ट हो हमारे ऊपर पड़ा है, बहुत सी चीज़ें ऐसा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, हम झलवा से यहाँ केवल कोचिंग करने ही आते हैं, कॉलेज से कॉलेज जाते हैं, जिस दिन प्रैक्टिकल होता है उसी दिन जाते हैं, और केवल सुबह 7 बजे की केमिस्ट्री क्लास रहती है, फिर जूलॉजी क्लास रहती है, तो झलवा यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो आप समझ सकती हैं सीधे झलवा से यहाँ आना बहुत ही दिक्कत है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना, कई बसें, जी हम समझ रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ झलवा मुंडेरा सिविल लाइन से बच्चे कोचिंग करने के लिए आ रहे हैं, ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा तभी आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे बीएससी बायो जूलॉजी बॉटनिक केमिस्ट्री के बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने अपना फीडबैक दिया टीचर, तो मैं मैथ और फिजिक्स के भी बात करना चाहूँगी, तो अभी जो कि उसकी बैच शाम को चलेगी, तो आइए मैं उसके टीचर से ही यहाँ पूछूँगी, मैथ फिजिक्स का क्या सुविधा है यहाँ? देखिए, जैसा कि अभी आपने बायो वाले स्टूडेंट से आपने फीडबैक लिया, केमिस्ट्री जो कि मैथ स्ट्रीम में भी चलती है, बायो में भी चलती है, तो मैंने उसका प्लान पूरा बता ही दिया। उसके साथ साथ जो हमारी मैथ स्ट्रीम की बैचेज इवनिंग में चलती हैं, जहाँ पे मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
एक योग्य कह सकते हैं एमएससी एक्सपर्ट हैं, अपने अपने विषय के धुरंधर हैं, वो सारे टीचर पूरी एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती स्टूडेंट्स को, हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोग संडे संडे फीडबैक भी लेते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स से भी बीच बीच में इंटरेक्शन करते हैं कि आपके बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, उनकी रिपोर्ट बच्चों तक भेजते हैं, क्योंकि हमको इस बात से फ़र्क नहीं है कि हमारे कोचिंग में बच्चे कितने हैं, हमें इस बात से फ़र्क है कि उनका डेडिकेशन कितना, उनका कंसंट्रेशन कितना है और वो कितना बिलीव करते हैं और अपनी जर्नी के लिए वो कितने ईमानदार हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हम यहाँ पे एवरग्रीन एकेडमी का संचालन कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है कि बच्चे बिना किसी प्रचार के, मार्केट में हमारा कोई प्रचार नहीं है क्योंकि अभी हम इकोनॉमिकली उतना स्टेबल नहीं हो पाए हैं, लगातार हम लोग स्ट्रगलफुल फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग जैसे हेल्प कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। तो हम आपने द्वारा अपने माध्यमों से जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे जुड़े हैं, जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे नहीं जुड़े हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप एवरग्रीन एकेडमी एक हाल ही में चैनल लॉन्च किए यूट्यूब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म माध्यम से हायर एजुकेशन चैनल नाम से, जहां पे आपको बीएससी बायो इस टाइम बीएससी बायो की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, सारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन हाल ही में लॉन्च हुआ है तो बीएससी जूलॉजी की क्लासेस भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप जाइए चैनल पर, आप हमें नहीं कहेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब कोई वो नहीं है, आप पढ़िए, मेन चीज़ है कि आप पढ़िए, जाइए आप उस चैनल के माध्यम से हेल्पफुल आप पढ़िए, आपको फ़ायदा मिले, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सब पढ़ें, सब बढ़ें, ये लोगों तो एवरग्रीन एकेडमी के फाउंडर टीचर ने और बच्चों ने कह ही दिया है। सो धन्यवाद।